मेरा नाम लोकेश है, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। मेरी आज फोर्थ PRP है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 8 महीने हुए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरे यहाँ तक हेयर नहीं थे, और मेरे मतलब 2025 से मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे क्लिनिक के बारे में देखा, फिर मैंने यहाँ विजिट किया, यहाँ फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैंने काफ़ी मेडिसिन यूज़ करी थी, मैंने बायोटिक यूज किया था, बायोटिक मेडिसिन यूज की थी, और मिनोक्सिडिल परमानेंट लगा ही रहा था मैं, मगर उससे भी परमानेंट असर नहीं था। मतलब जहाँ बाल हट चुके थे वहाँ नहीं आ रहे थे, तो ट्रांसप्लांट का मेरे को लास्ट ऑप्शन लगा, फिर ट्रांसप्लांट कराना था। हेयर फॉल से मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर चुका था उससे। मतलब किसी से बात करने में शर्म टाइप आती थी, क्योंकि कहीं जाते थे तो एक किसी के सामने जाने में थोड़ी घबराहट महसूस होती थी हेयर फॉल की वजह से, क्योंकि मेरे आगे आगे यहाँ से बाल हट चुके थे, हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी थी उस टाइम पे। मैंने अपनी सिटी में भी काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था हेयर के बारे में, ट्रीटमेंट भी लिया। मैंने जयपुर भी गया था मैं एक बार ट्रांसप्लांट के लिए, मगर वहाँ पर मेरे को इतना कम्फर्टेबल महसूस नहीं हुआ। फिर बाद में मैं यहाँ आया हरिद्वार पे, तो यहाँ मेरे को अच्छा लगा और मैंने उसी दिन फाइनल डिसीजन ले लिया और अगले दिन मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया था। सर्जरी को लेकर पहले मन में बहुत सारा डाउट था, और अखबार में भी न्यूज आती थी कि किसी ने ट्रांसप्लांट कराया, उसकी डेथ हो गई 2-3 दिन बाद, काफ़ी सूजन को सिर में काफ़ी सूजन आ गई थी, तो एक नर्वस था इसको लेके, बहुत सारा डर भी था मन में। मगर डॉक्टर ने अच्छा ट्रीट किया, यहाँ पे डर निकाल दिया मन से, तो फिर मैं भी ट्रांसप्लांट के लिए एग्री हो चुका था, और घर पे ही बात कर ली थी मैंने, और मैंने फाइनली ट्रांसप्लांट करा दिया, और 8th month बाद मेरे हेयर का ये रिजल्ट है। मेरी सर्जरी को 3 दिन लगे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई थी, पेनलेस प्रोसेसर था, डॉक्टर ने भी अच्छा ट्रीट किया, और मेरे टोटल 2700 ग्राफ्ट लगे थे, और QST टेक्निक से लगे थे। और ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन के बारे में डॉक्टर ने मुझे अच्छा ट्रीट बताया, और क्या क्या सावधानियां रखनी है वो सब बताया मेरे को, क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है। 1 महीने तक का प्रोसेस था, मतलब कुछ डाइट्स को अवॉइड करना था मेरे को, जैसे तला बुला ये, और हेल्थी डाइट लेनी थी। सर्जरी के बाद 3 महीने का शेडिंग फेस था मेरे, उस टाइम मेरे काफ़ी बाल झड़ने लग गए थे सर्जरी के बाद, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, टेंशन में भी आ गया था कि ये बाल बहुत झड़ रहे हैं। फिर मैंने डॉक्टर से भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि ये शेडिंग फेस होता है 3 महीने का, 2 से 3 महीने का, उसमें सबके बाल टूटते हैं, फिर वापस ग्रोथ स्टार्ट होती है। मेरे हेयर को 8 month हुए हैं अभी, कोई देख के ये नहीं कहता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और ये आप देख सकते हो मेरे हेयर का रिजल्ट। यहाँ पे सर्जरी काफ़ी अफोर्डेबल है, यहाँ पे कोई भी सर्जरी करा सकता है, काफ़ी लो बजट में सर्जरी होती है, और काफ़ी ऑफर भी दिए जाते हैं यहाँ पे PRP को लेके, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह। कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ के क्लिनिक के साथ। मैंने ट्रांसप्लांट कराए हुए 8th month हो चुके हैं मेरे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप आइए क्लिनिक, डॉक्टर से मिलिए, गाइडलाइंस लीजिए, और फिर आप एक डिसीजन लेके और आप ट्रांसप्लांट कराइए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है क्लिनिक के साथ भी, और ये आप देख सकते हो मेरे ट्रांसप्लांट को, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे। मैं आपको ये सजेशन करना चाहता हूँ कि आप आइए, विजिट कीजिए और ट्रांसप्लांट कराइए। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।